अक्सर हम लोग खुशी की तलाश में ना मेरो मील चले जाते हैं, इतना दूर चले जाते हैं कि हम अपनों को भूल जाते हैं। हम नई चीज़ें ढूंढते हैं, नई जगह ढूंढते हैं, नए लोग ढूंढते हैं, पर भूल जाते हैं जो लोग अपने होते हैं, अपने करीब होते हैं, उन सबको। खुशी पता है कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? खुद में, अपनों में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड साक्षी दंजल, और मैं रुकी थी, अभी भी रुकी हूँ बेसिकली इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। मेरी प्रॉपर्टी बहुत ही प्यारी जगह है, विद्या, विद्या मैं पूरा नाम मेंशन करते हैं इसका, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी न्यू प्रॉपर्टी। इसको 6 महीने हुए हैं, सो यू कैन एक्चुअली सर्च इन गूगल मैप्स ऑल्सो, ये मेंशन नाम है इनका प्रॉपर्टी का। और अब मैं मूव कर रही हूँ नेक्स्ट प्लेस पे। सो एक्चुअली द डे वॉज, मैं ज़्यादा ही सो गई, 8:30 उठ रही हूँ, मतलब 8:30 हो रहे हैं, वरना मैं सुबह रोज़ जल्दी उठ रही थी, क्योंकि मैं कल लेट सोई थी। आई वॉज जस्ट वर्किंग ऑन सम एडिटिंग्स, बट व्यू ब्रेक टेकिंग है यार यहाँ का, राइट। सो गाइस, ये टाइम है प्रॉपर्टी स्विच करने का। रोड बहुत ख़राब थी, जो कि ये प्रॉपर्टी जो मैंने पहले रुकी थी ये नई नई बनी थी, बट अब चलते हैं नई प्रॉपर्टी की तरफ, बिकॉज आज रात का ही स्टे था इनके साथ, मतलब आई मीन कल रात का, तो आज कहीं और स्टे है हमारा। सो जस्ट केम टू अनोखी रिजोर्ट्स, और इनका रेस्टोरेंट भी है, एंड आई एम केम हेयर फॉर द फूड, जस्ट टू ट्राई कि यहाँ का कैसा फूड है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट यहाँ का नॉन रेस्टोरेंट्स में से एक है, एंड इसका कहते हैं यहाँ पे मल्टी क्रूजीन है, ये बहुत प्यारा बना हुआ है। सो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यू कैन एक्चुअली ट्राई। मैं यहाँ यू नो, मुझे लगा रेट्स कैसे होंगे यहाँ पे, बट यू नो इट्स वेरी चीप, मतलब बहुत पॉकेट फ्रेंडली रेट्स हैं यार इनके। मैंने वेज मील ऑर्डर करा, लेट मी जस्ट चेक वेज मील कैसा है, आई एम नॉट मच हंग्री ऑल्दो, बट यहाँ के रेट्स बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। सो दैट्स द पापड़, ठीक है। अभी आई गेस मुझे भी ये चीज़ें याद नहीं आ रही, ये चने हैं, ये मुझे नहीं पता, मैं टेस्ट करना पड़ेगा। ये अचार होता है यहाँ का, जो लोकल अचार है यहाँ का, ये जो है ये चपाती है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सांभर। ओके, बस वाओ, फूड वॉज एक्चुअली अमेजिंग, बट 80 रुपये में चपाती इन्वॉल्व नहीं थी, चपाती आई हैव ऑर्डर्ड अलग से। सो ऐसे रेस्टोरेंट का ना अपना रिजॉर्ट भी है, अभी तो मैंने रिजॉर्ट देखा नहीं है सच, बट इनके सामने ना, इनके रेस्टोरेंट के जस्ट सामने ये पूल एरिया भी है, क्या सही है ना यार, इतनी पीसफुल है। पूल एरिया नहीं है, सॉरी यार, आई मीन काइंड ऑफ लेक है, या फिर छोटा सा एरिया जहाँ पे वाटर रिजर्व है। ये केयर टेकर है यहाँ के, एंड मैं आ गई अनोखी रिसोर्ट्स के साथ। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी जिनका मैं आपको रेस्टोरेंट दिखा रही थी, एंड लुक एट दिस प्रॉपर्टी, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग, राइट। मतलब लुक एट द व्यू, दे हैव द किचन सेपरेटली, हाय प्यार हो जाएगा इस जगह से, मुझको घर जाने का मन नहीं करेगा। सो this is the property I shifted to, this is the bedroom and this is the washroom, inke aur bhi hain, wow, chhota sa washroom, matlab cute sa washroom, I just love the place, yahan se view nahi hai, yahan se samne ka view hai jahan main saman chhod kar aayi thi, acha bhai ne andar rakh diya, but this is actually amazing, I totally love it, राइट। आपके कितने हो रहे हैं ये? फाइव कॉटेज डबल कॉटेज है, वो लास्ट वाला डबल कॉटेज है, अच्छा वो भी डबल कॉटेज है, हाँ ओनर का प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओनर का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओके, सो ये वाला वो मेरा है, जहाँ मैं रुकी हूँ, ये जो है ये वाला कॉटेज, इसमें बस एक एक्स्ट्रा रूम है और ये थोड़ा सा बड़ा है उससे, एंड इसमें फैमिली काइंड ऑफ है ये प्रॉपर, और आई गेस दो वॉशरूम्स हैं,
दो अटैच वॉशरूम में चेक करो. गर्म पानी आता है घी 24 आवर. वाह. एंड यू कैन मेक द कॉफी फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. मतलब इनका पूरा किचन इन्होंने सेटअप करा हुआ. दैट्स द कॉफी, दैट्स समथिंग मतलब बनाना से बना हुआ. आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू ट्राई दिस. ये यहाँ की लोकल डिश है जो बनाना से बनी हुई है. क्या कहते हैं इसको? बनाना फ्राई. तो दिस इज एक्चुअली बनाना फ्राई. ये मंचूरियन है ड्राई वाले. सो ये मेरा आज का मील है दोपहर का एक तरीके से. सो मैं आज आ गई हूँ पहली लोकेशन पर. पता है ट्रैवल करते करते ऐसा लगता है कि बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और ये सच भी हो जाते हैं. माय गॉड, मैं जब से आई हूँ मुझे लोग ऐसे ही देखते हैं जैसे पता नहीं मेरे कौन से सेलिब्रेटर होंगे. हाय, मैं आ चुकी हूँ मियाडोस. मियाडोस यहाँ की सबसे फेमस जगहों में से एक है. ये जगह जानी जाती है जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ मैं रह रही हूँ, ये जगह सबसे ज़्यादा जानी जाती है. वया वैगमन, वैगमन जाना जाता है सबसे ज़्यादा अपनी ब्यूटी के लिए. यहाँ पे एंट्रेंस जो है वो 9:06 AM की है, और जो एडल्ट टिकट है वो 20 रुपीज़ के टिकट ले लेते हैं पहले, और चिल्ड्रन की 10 रुपीज़ की. कैमरा 50, वीडियो इज 100, एल्बम इज दिस. तो मैं अपना यहाँ पे जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, बोटिंग, कोटा वाची तो पता नहीं, काइकिंग, विस्पा, किड्स बोटिंग अवेलेबल है. किड्स बोटिंग नीचे की तरफ है. मतलब ये जगह कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नहीं है? बहुत खूबसूरत राइट. ये किड्स बोटिंग है यहाँ पे. संडे की रियलिटी कुछ ऐसी है कि इतने सारे लोग हैं, और ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है. और पता है इस लोकेशन का नाम इतना खूबसूरत रखा गया है, सबसे खूबसूरत लोकेशन को ये वर्ड दिया जाता है. मेडो सबसे खूबसूरत जगह को कहा जाता है बेसिकली, और ये यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है. और आप यहाँ आके ज़िपलाइन भी कर सकते हो. एक्चुअली मैं ज़िपलाइन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़िपलाइन के बारे में नहीं सोच रही. एंड मैं आपको रेट ज़रूर शेयर करूँगी कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे ज़िपलाइन के रेट्स क्या है, मैं पक्का शेयर करूँगी. एंड अगर आप वाघमन स्टे कर रहे हो यहाँ पे कहीं पर भी, तो ये जगह जो है मोस्टली अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है. मतलब इसका मतलब 12-1 बजे तब तो आपको ऐसा लगेगा मौसम में कुछ नहीं है, बट उसके बाद जो मौसम चेंज होता है ना, वो मौसम कुछ ऐसा होता है जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो. मोस्ट ऑफ यू पूछोगे मेरे हाथ पे क्या हुआ है, बट मैं पहले इनको शूट करूँगी. ये साइड है ना, ये पेन में है. जब से मैंने वो कटर यूज करा है ना, तब से तो तब हल्का पेन था, बट उसके बाद पेन अब बढ़ता जा रहा है. तो इसलिए मैंने आज क्रेप बैंडेज और वॉलनीर के साथ बांधी. तो कमेंट्स में मत पूछना आप, और मैं ठीक हो जाऊंगी जल्दी. कमेंट में यहाँ के बारे में पूछना, इतना पूछना है. आपको मेरा स्टे कैसा लगा बाय द वे, मुझे उसको भी कमेंट में बताना. कुछ जिपलाइन के चार्जेस हैं 300, और साइज साइकिलिंग के चार्जेस भी 300 हैं, और जिपलाइन प्लस स्काई साइकिलिंग के चार्जेस हैं 500 रुपया. इसको करनी है, हम कर चुके हैं. हम स्काई साइकिलिंग नहीं करनी, इतना जोश है हमारे अंदर, पर फिर भी नहीं, हम चलते हैं दूसरी पहाड़ियाँ. यार कितनी सारी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, मतलब भागते जाओ तो सुंदर रही जगह. गाइस जैसे कि मौसम बदल चुका है, हम पहाड़ियाँ तो पहाड़ियाँ खोद रहे थे, अब हमारा कोई प्लान नहीं है पहाड़ी तो पहाड़ी खोदने का. जिप लाइन में रुक चुकी है क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है. अब हम भाग रहे हैं गाड़ी की तरफ. भागो, मौसम चेंज हो गया, बारिश आने वाली. ठीक है, फोन भी ठीक
है कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई भीग गई कोई प्रॉब्लम, बट पिंपल ठीक है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गाइस मेरे पीछे करंटली बारिश बहुत तेज आने वाली है, लेट्स जस्ट रन। तो कहाँ बहुत ही तेज आने वाली है बारिश पीछे से, लेट्स रन। भागो 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 गाइस, अगर आप एंटर कर रहे हो वार्निंग लिखी हुई तो पढ़ना ही भूल गई। वाघमन हिल्स टॉप्स आर हाईली प्रोन टू डेंजरस लाइटनिंग, सो एंट्री इन मोटा कुन्नू वैगनम मेलेडस ड्यूरिंग एंड प्रायर टू द रेन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ओह माय गॉड, पीछे से इतनी जबरदस्त रेन आ रही थी तभी सारे के सारे जने भागते भागते आ गए। अब मुझे समझ आया कि लोग इतनी देर से भाग क्यों रहे थे, मैंने ही नहीं पढ़ा शायद इसको। देखो हाउ नाउ इट्स रेनिंग यार, एकदम चेंज वेदर। Ooh, this is the place we are staying. Yeah. And actually, I came back because it was raining. It was bahut gandi barish. Let's go inside. Look at this beautiful view, guys. मतलब यहाँ तो बारिश और भी खूबसूरत लग रही है मुझको, है ना? ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे। किसी को नहीं ढूंढा यार, अब किसी को नहीं ढूंढा, अंदर चलते हैं। I'm going to watch a new series which is Resident Evil. So let's start with अगर आप लोग इनके साथ स्टे कर रहे हो तो पर नाइट इट विल कॉस्ट यू 4,500 विदाउट फूड, एंड उसके अलावा आप इनको कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।